माता की वंदे वंदे। सापरियानाड़ा के राजकीय विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह में उपस्थित ग्राम पंचायत के मुख्य अतिथि सरपंच लीला राम जी चौधरी अध्यक्षता कर रहे पटनाचार्य प्रीतम सिंह जी, वही रुग्नाथ राम जी भीमा राम जी अभय सिंह जी सहित मनसा सिंह अतिथि व विद्यालय परिवार, आपने मुझे विद्यालय में बुलाया इसके लिए सबसे पहले आप सभी का आभार। आपको बता दें कि वैसे मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता है, पर भीमा राम जी ने सभी ने आग्रह किया क्योंकि मेरा काम लिखने का है, पर मैं आपको दो शब्द कहूंगा। ये जो विद्यालयों में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है ये पिछली सरकार ने अनिवार्य रूप से शुरू किया था। पहले भी वैसे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम होता था पर पहले अनिवार्य नहीं था, पिछली सरकार ने अनिवार्य कर दिया और ये बहुत अच्छी चीज है। वार्षिकोत्सव से बच्चों में जागृति आती है, उत्साह आता है और मंच पर आगे आने की अभिव्यक्ति होती है। जैसे मैं भी मंच पे आया हूँ तो दादा नहीं बोलते कभी मंच पे तो बन को इंतजार होती है, ऐसे में अगर बच्चे मंच पे आएंगे कोई भी कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे तो उनका मनोबल हौसला बढ़ेगा। तो ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, जैसे शनिवार कार्यक्रम भी स्कूलों में होता है तो उससे भी बच्चों की अभिव्यक्ति है वो जागृत होती है। तो हर शनिवार को कार्यक्रम होना चाहिए, सुबह प्रार्थना सभा होती है उसमें भी हर बच्चे की अभिव्यक्ति में हर टाइम नंबर आना चाहिए, तो ही बच्चे मंच पर आ पाएंगे। बाकी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं पर अगर अपन मंच पे उनको बुलाते हैं तो वो नहीं बोल पाते हैं। ऐसे में ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की वजह से बच्चे अपनी हर तरह की एक्टिविटी है जो मंच पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे किसी की कला में नृत्य है, गायन है, नाटक है, भाषण है, तो हर तरह की अभिव्यक्ति जो मंच पर आने के बाद बाहर आ जाती है। ऐसे में यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है और विद्यालयों में मैं जाता हूँ तो कई ऐसे विद्यालय बड़े बड़े विद्यालय होते हैं जहाँ पर कार्यक्रम को फॉर्मेलिटी के रूप में किया जाता है। यहाँ सापरियानाडा की बात करूँ तो मैं काफी समय से आता रहा हूँ, पहले भी जब मैं आया तो कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे थे और इस बार भी आप देख पा रहे हैं बहुत शानदार टेंट की व्यवस्था की हुई है, मंच किया हुआ है। एक छोटा विद्यालय होने के बावजूद भी इतनी सारी भामाशाहों द्वारा व्यवस्था की हुई है। मैं भामाशाहों से भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा के मंदिर में अगर आप इसी तरह से सहयोग करेंगे, आपका विद्यालय है, आपको पता है कि ये कार्यक्रम करने के लिए सरकार से कोई राशि नहीं आती है, नॉर्मल राशि आती है, उसमें ये पूरा कार्यक्रम नहीं हो पाता है। बहुत आप साधुवाद की धनी है कि आपने इस विद्यालय में बहुत ही शानदार सहयोग किया है। भामाशाहों को हमेशा आगे आता रहना चाहिए, आप खुद का विद्यालय है, आपके बच्चे हैं, अगर आप इन बच्चों के लिए हमेशा आगे आएंगे, स्टाफ से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चे ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अगर और भी अभी कोई विद्यालय में कमियां हैं तो सरपंच साहब यहाँ विराजमान है, भामाशाह भी यहाँ है, तो आपका विद्यालय समझ कर इस विद्यालय में ये चीजें आपको खुद को करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इसी विद्यालय में बच्चों के लिए संदरलोक जैन तीर्थ मैंगलवा लहर बंधन ग्रुप मैंगलवा की तरफ से भी सभी बच्चों के लिए बैग की घोषणा की हुई है, वो बैग जल्द ही पहुंच जाएंगे। और इसी विद्यालय में पहले भी जीवाना के भामाशाह द्वारा भी घोषणा की हुई है और वो मेरे ख्याल से सभी पूरी हो गई है। जब प्रमोद भारती जी इस विद्यालय में कार्यरत थे तब भी इस विद्यालय में भामाशाहों को बहुत प्रेरित किया था और उनके पीछे अभी जो स्टाफ लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छे स्टाफ है जिससे भामाशाह प्रेरित हो रहे हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटे से विद्यालय में इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। मैंने कई बड़े स्कूलों में भी जाकर कार्यक्रम देखा है, वहाँ वार्षिकोत्सव के नाम पर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं और इस पर मैं आपको बता दूं कि कई स्कूलों में फॉर्मेलिटी के रूप में 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ था उसी के साथ वार्षिकोत्सव की फॉर्मेलिटियां कर ली और उन्होंने रजिस्टर में उसकी खानापूर्ति कर ली है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। जैसे कि आप देख रहे थे नन्हे नन्हे बच्चे थे जो मंच पर शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रहे थे, इन बच्चों की अभिव्यक्ति अगर अभी से बाहर आ रही है तो ये बड़े जाकर बड़े मंचों को साझा करेंगे और इनका मनोबल हौसला बढ़ेगा। तो ऐसे में मैं जो यहाँ शिक्षाविद शिक्षकगण मौजूद हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि विद्यालयों में हर गतिविधि है वो करनी चाहिए। और आपको बता दूं कि अभी सरकार भी इस पर बहुत फोकस कर रही है कि हर कार्यक्रम हो विद्यालय में। अभी जो पहले फलू मार रहे थे वो शिक्षक भी फलू नहीं मार पाएंगे, पूरी उनको एक्टिविटी करवानी होगी, फुल टाइम देना होगा, तो अगर आप करेंगे तो बच्चे आगे आ पाएंगे। अभी आप देख रहे थे कि छोटे बच्चे बहुत शानदार अभिव्यक्ति दे रहे थे, अगर आप कार्यक्रम नहीं करवाएंगे तो ये बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को
कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा करें तो इससे बच्चों की अभिव्यक्ति जगेगी। मैं सभी भामाशाह और विद्यालय परिवार का